केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड पंचायत चुनाव काफी जोर शोर के साथ शुरू हुआ। एक स्टेज का जो चुनाव है वो हो गया और ऐसे में हमारी टीम भी अब और जोर शोर से लगी है कि आप तक सारी खबरों को पहुंचा सके। हमारी टीम आज पहुंच गई थी पंजरा डी पंचायत ठाकुर गंगटी प्रखंड, जहां से वर्तमान मुखिया भावी मुखिया प्रत्याशी रणवीर सिंह जी से हमारी बातचीत हुई। आखिर क्या कारण है कि वो फिर से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपनी किस्मत फिर से आजमा रहे हैं, क्या कमी पिछली बार रह गई, कौन से काम बच गए हैं जो वो इस बार फिर से अपना समर्थन मांग रहे हैं लोगों से, सब कुछ बात करने के लिए हम वहां पहुंचे। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए। झारखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चरम पर है, एक दूसरे को शहर मार कर खेल लगातार जारी है। आज हम लोग गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी प्रखंड के पंजराडी पंचायत में इस पंचायत के वर्तमान मुखिया सह इस बार के प्रत्याशी भी हैं, उनसे जानेंगे पाँच साल कैसा बीता। मेरा नाम रणवीर सिंह, वर्तमान में मुखिया, इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में फिर हम प्रत्याशी हैं। 5 वर्ष का कार्यकाल इस पंचायत के लिए बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा, किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और विकास का कार्य भी हुआ है। ये 16वां पंचायत है गंगटी प्रखंड का, जिसमें आवंटन राशि भी कम आती है, उसी के आधार पर इतना भी विकास हो पाया है तो ग्रामीण इससे भी खुश हैं। और प्रधानमंत्री आवास, आपका जो सोलर जल योजना है, आंगनबाड़ी है, उसके बाद शौचालय है, ये सब का निर्माण हुआ है, उसका लोग सदुपयोग कर रहे हैं, यही सब विकास। टोटल काम की अगर हम बात करें, सड़क कितना बना होगा 5 साल? सड़क देखिए, नली तो गली गली का सड़क है। हाँ, कितना लगभग? तो करीब करीब आप बुझे कि 7 गांव है हमारे पंचायत में। हाँ। तो मिला जुला के 35-40 से कम नहीं। नाला भी कम से कम 5-6 नाला बने हैं। पुल पुलिया नहीं है इसमें। कोई विद्यालय की चार दीवारी? विद्यालय पंद्रह जी, मध्य विद्यालय की चार दीवारी, उसके अलावा कोई आंगनबाड़ी सौंदर्यीकरण? हाँ, आंगनबाड़ी, 3 आंगनबाड़ी का सौंदर्यीकरण। 3 आंगनबाड़ी का। उसके बाद अगर हम बात करें जल मीनार तो नावाड़ी गांव में दो जल मीनार। अच्छा। उसके बाद रतन चक में 2 जल मीनार, पंजराडी में 2 जल मीनार गांव में, और जो आदिवासी टोला है उसमें PhD के द्वारा ही निर्माण होता है जल लगाया है। मतलब जहाँ ST टोला है, SC टोला है, वहाँ आपका PhD के द्वारा ही लगाया जाता है। अगर हम बात करें इसके अलावा आवास कितना सेंक्शन हुआ? आवास यहाँ कम से कम जिस हमारे कार्यकाल में 150 के करीब आवास सेंक्शन हुआ। पेंशन करीब करीब यहाँ हो चुका है, करीब करीब। राशन कार्ड भी कुछ लोगों का बचा हुआ, नहीं तो करीब करीब बन गया। शौचालय भी तो ODF हो गया है। ODF हो गया। अभी इस पंचायत की मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या है, जैसे मेन सड़क है उसमें अच्छी है, आपका देख ही रहे होंगे मेन सड़क की स्थिति। एक बगल से लोग ठीक करता है ठेकेदार आज 5 बरस से, अब फिर वही स्थिति हो जाता है। मेन वही दिक्कत है सड़क का। और कुछ गांव में मान लीजिए जल समस्या है, जल जमा हो जाता है, कुछ लोग जमीन अपना मान लीजिए कि घर बनाए हुए हैं तो जमीन छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते कुछ विवाद के चलते वो निकासी में व्यवधान पड़ रहा है, जल निकासी। इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं? इस बार क्या सोच कर लड़ रहे हैं, क्या करना है? पहली प्राथमिकता है कि सुरक्षा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा पंचायत रहे, सबसे प्रमुख चीज है। जब लोग सुरक्षित रहेंगे तब रोजी रोटी अपना खाएंगे कमाएंगे। दूसरा है विकास मेरी प्राथमिकता है। तीसरा तो मान लीजिए क्या, विद्यालय में शिक्षा में गुणवत्ता। देखिए जी, पहली बार जब हम बने तो हम लोगों को कुछ दिन तक अधिकार दिया गया कि आप
निरीक्षण कीजिए, निरीक्षण कीजिए और नहीं वो आपका एब्सेंसी पर दस्तखत भी हम लोग करते थे। तो करीब करीब महीना में सभी टीचर लोग आते थे, उनसे सुझाव, उनका सुझाव लेते थे, अपना सुझाव देते थे। तो कुछ दिनों के बाद वो खत्म कर दिया सरकार के द्वारा। उसके बाद हम जाते थे कभी कभी, विद्यालय तो जाते ही थे बराबर, जब भी गए। इस बार जो जनता के बीच जा रहे, क्या कह रहे हैं उनसे? कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे, विकास देंगे, विकास देंगे, सुरक्षा देंगे, सुरक्षा देंगे। जनता से क्या अपील है? कितने नंबर पर मोहर लगा है? 5 नंबर मेरा है। कौन छाप? दूरबीन छाप है मेरा। 5 नंबर दूरबीन छाप पर मोहर लगाने के लिए कह रहे मुखिया जी, क्योंकि विकास करना है और इस पंचायत को सुरक्षित और अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग जिए, यही उनकी प्राथमिकता है। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।